कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है और आज हम आपको मिलाने वाले हैं कुछ अपने कोचिंग के स्टार्स से जो यहाँ पर अभी हैं इस टाइम पर, और इन्होंने अपने साल भर की स्टडी में कैसी यात्रा रही कोचिंग के साथ, कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की और रिजल्ट में कैसे आप अपने जो बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं अपने रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसके की पॉइंट्स रहे हैं, हम इस बार के जो बच्चे रहे हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया है उनके साथ आपको इंटरेक्ट कराते हैं। इस ऑर्डर में सबसे पहले हम बुलाते हैं रोशन चौरसिया जो क्लास 12th ECPS के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कोर सब्जेक्ट में 94% अकाउंट्स और बिजनेस में ओवरऑल 89% स्कोर किया है। हम उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। रौनक अपना इंट्रोडक्ट। हेलो, मेरा नाम रोशन चौरसिया है, मैं क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट और लर्निंग फोरम की वजह से मेरे क्लास 12th में 89% आया और मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में 94 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100। और लर्निंग फोरम में टीचर्स बहुत अच्छी हेल्प करते हैं कि बच्चे को हर चीज़ समझ आए और उसको जो पढ़ाया गया है वो उसको याद रहे, और लर्निंग फोरम में नोट्स भी बहुत अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा कोचिंग है और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाता है। सर बात करें कि अगर जैसे गूगल 5-स्टार रेटिंग पूछता है तो आपने क्लास 11 12 पढ़ाई किया यहाँ पे इतनी यात्रा करी, आप 5-स्टार में कितना रेटिंग देना चाहेंगे कोचिंग को? मैं 5 out of 5 दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ समझ आया और पवन सर मेरे अकाउंट्स के टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हर चीज़ कोई क्वेश्चन रहता था वो हमेशा जवाब उसका रिप्लाई करते थे कोई कुछ पूछने पर, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जैसा की फैक्टर है कि पवन सर ने आपको अच्छा रिप्लाई किया, जैसे आपके जो डाउट्स होते हैं वो टाइम पर सॉल्व किए गए। हाँ, गूगल अभी 4.9 रेटिंग देता है हम लोग का, आपने 5 out of 5 दिए हैं। थैंक यू रोशन, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास 10 टैगोर पब्लिक स्कूल से बुशरा साहिद जिन्होंने ओवरऑल 85% और साइंस में 90 और सोशल साइंस में 98 मार्क्स स्कोर किए हैं। हम चाहेंगे कि ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसा कि उन्होंने क्लास 10th में कोचिंग ज्वाइन की, साल भर की जो इनकी यात्रा रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या चीज़ें रही जो इंस्टीट्यूशन में इनके लिए हेल्पफुल रही, इसके बारे में हम लोग बुशरा से जानते हैं। आई बुशरा शाहिद ऑफ क्लास 10th एंड आई एम माय स्कूल नेम इज टैगोर पब्लिक स्कूल। आई हैव डन माय कोचिंग क्लासेस फ्रॉम लर्निंग फोरम। लर्निंग फोरम एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको टीचर्स का साथ और सबसे मेन कंसिस्टेंसी मिलेगी, और यहाँ पे डेली DPPs सारे टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और मेरी ये जो जर्नी थी, मैंने तो पहली बार मैंने बीच में कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी, मैंने अपने स्कूल में PA1 ऐसे ही दिया था जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट जब मैंने लर्निंग फोरम ज्वाइन करा तो मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लर्निंग फोरम में आके आपको कोई भी अगर आपको डाउट हो, कभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, DPPs रेगुलरली आपको प्रोवाइड होते हैं, कभी भी टाइमिंग स्लॉट और हर चीज़ एकदम कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छा है। और मैंने अपने 10th में 85% स्कोर करा है। SST में सोशल साइंस में आई हैव गॉट 98 out of 100। दैट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी और लर्निंग सब्जेक्ट है, जिसमें मेरे बहुत सारे टीचर्स एक्सपर्ट्स जो लर्निंग फोरम से पढ़ाते हैं, SST में मेरी बहुत हेल्प करी। मैप वर्क, बहुत से लोग मैप से करते हैं कि मैप से डरते हैं, बट मैप सर ने बहुत इजी कर दिए थे। SST की भी बहुत सारी क्लासेस सर ने हम लोग की चलवाई थी। सो ओवरऑल बहुत अच्छी है लर्निंग फोरम। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी 10th में अगर आप लोग को भी 90s में 80s में परसेंटेज लाने हैं तो आप लोग प्लीज़ लर्निंग फोरम ज्वाइन करें। थैंक यू इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। फिर तो स्टार रेटिंग पूछने का मन नहीं है, फिर भी एक बार पूछ लेते हैं कि अगर 5 में से कितना स्टार रेटिंग देना चाहेंगे आप? मैं तो 5 में से 5 ही दूंगी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। चलिए देखिए, बुशरा का एक्सपीरियंस रहा है, उनका अपना है और किसी के अपने भी व्यूज हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा चीज़ है कि आपके पास ट्रायल क्लासेस होते हैं, आपको ऐसे नहीं कि जाके डायरेक्ट एडमिशन लेना है, आप चाहें तो ट्रायल क्लासेस भी कर सकते हैं कि हाँ पहले अच्छा लगे, ठीक है जो बात कही जा रही है वो मिल रहा है तब एडमिशन लें। फिर बात आते हैं की पॉइंट, जैसे आपने सोशल में 98 मार्क्स स्कोर किए जिसमें बच्चे जनरली बहुत डरते हैं कि सर ये कैसे हो पाएगा, ये एक तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हो नहीं पाता है बच्चों से, उसमें आपने 98 स्कोर किया तो उसके लिए बच्चों को कोई पॉइंट आप बताना चाहें कि कैसे तैयारी करें जिससे उनका और भला हो?
सब सोचते सोशल रट लो और हो जाएगा, बट मैं कहती हूँ सोशल मत रटो, बिकॉज हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ चलती है. और ये चीज़ मुझे लर्निंग फोरम के टीचर्स ने सिखाई, हर चीज़ बिना कॉन्सेप्ट के कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. अगर आप ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे, और सबसे मेन बात कंसिस्टेंसी इज़ द मेन पॉइंट. अगर कंसिस्टेंट है आप अपनी पढ़ाई को लेकर, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, SST हो, मैथ्स हो, ऑल सब्जेक्ट सब इक्वल है. कोई मैथ्स में हाईएस्ट लाता है, कोई साइंस में हाईएस्ट लाता है, कोई SST में. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. और मैंने जो मैंने देखा SST में, सर ने मुझे पढ़ा दिया था, बट आप ये नहीं कह सकते कि सर आपको पढ़ा दें और आप घर जाके उसको रिवाइज ना करें, क्योंकि सर ने तो आपको पढ़ा दिया, पर आपका काम है. अगर सर आपका 100% दे रहे हैं, तो आपका काम है उसको 200% करना. तो मैंने भी यही करा, सर ने मुझे 100% दिया और मैंने उसको 200% करके, एंड आई हैव स्कोर 98 इन SST. सो आई एम प्राउड ऑफ अवर इंस्टीट्यूट एंड प्रवीण सर ऑल्सो, एंड थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ दिस आई हैव स्कोर 98 इन SST. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मिश्रा. जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रिव्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज़ इसीलिए ज़रूरी होते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम लोग को ही मोटिवेट करते हैं. जो टीचर्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनको भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. और जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं एट द डे, जितना बच्चा परेशान होता है, हम लोग भी यहाँ रोल नंबर लेके परेशान रहते हैं, किसका रिजल्ट आया, नहीं निकल रहा है, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, भैया कितने नंबर आए, अच्छा इतने नंबर आए, कैसे आया. और आफ्टर दैट रिजल्ट्स, बच्चे कैसे अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करें उसके बारे में डिस्कशन, सब्जेक्ट क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आप चाहते क्या है, और क्या एग्जैक्टली आपकी जो इंटरेस्ट है वो कैसे होना चाहिए. 11th में क्या ऑप्ट कर रही है सब्जेक्ट आप? आई हैव ऑप्टिंग PCB विद लीगल स्टडीज, बट मेरा एम है लॉ करना. बट आई थॉट मैं ह्यूमैनिटीज ले सकती थी, बट मैंने सोचा 11th 12th किसी, ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है, जो भी जाएगा ह्यूमैनिटीज़ में वो बहुत आगे जाएगा. सबसे मेन ऑप्शन UPSC होता है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ते हैं वो UPSC की तरफ ही जाते हैं, जितना मुझे पता है. बट आई एम ऑप्टिंग विथ PCB विथ लीगल स्टडीज़. लीगल स्टडीज़ मैंने इसलिए लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इन फ्यूचर आई डू LLM विथ, मैं पहले LLB करूँगी फिर LLM परस्यू करूँगी. सो मेरा साइंस भी इससे स्ट्रांग रहेगा, और मुझे पॉलिटिकल वर्ल्ड की भी बहुत नॉलेज रहेगी लीगल स्टडीज. सो आई हैव चूज़न लीगल स्टडीज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ठीक, नेक्स्ट अब हम बुलाते हैं ECPS से सांभवी मालविया, जिन्होंने ओवरऑल 70%, बट सोशल साइंस में इनका भी हाईएस्ट है 80%. ठीक, इनसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रोडक्शन और जर्नी, क्लास 9th क्लास 10th, काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूशन के साथ हैं, तो इनके इंट्रोडक्शन के साथ फीडबैक पे आते हैं. माय नेम इज शांभवी मालविया, आई एम हियर फ्रॉम क्लास 9th. लर्निंग फोरम एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैंने 9th 10th पढ़ा. यहाँ पे टीचर्स इंडिविजुअल बहुत हेल्प करते हैं, वीकली DPP मिलता है, और साइंस बहुत अच्छी है. थैंक यू. फिर एक कंक्लूजन वाले बात पे आ जाते हैं, वो 5-स्टार रेटिंग में कितना मिलने वाला है. ठीक, 5-स्टार रेटिंग में अपने इफ़र्ट को छोड़ करके, टीचर्स के इफ़र्ट और जो इफ़र्ट उन्होंने डाला और जो कोचिंग से आपको चीज़ें मिली, 5 out of क्या उसमें आप उसको रिव्यू देना चाहेंगे? 5 out of 5. चलिए, फिर भी गूगल से थोड़ा ज़्यादा मिला है हम लोग को. थैंक यू शांभवी, थैंक यू सो मच. चलिए आगे बुलाते हैं अभी अच्युत अग्रवाल. अच्युत अग्रवाल जो ML कॉन्वेंट ग्रुप ऑफ स्कूल से, करेलाबाग से हैं, यहाँ पे ओवरऑल 80%, हाईएस्ट इनका 95 है. एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया 95 स्कोर करने के लिए, अच्युत बाबू, जो कि कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं 11th में बाई चॉइस. स्कूल से मैथ मिल सकता है, तमाम बच्चों को ये होता है कि अच्छा कॉमर्स ले लिया, भैया नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बाई चॉइस कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपके स्कोर बहुत बेहतर होते हैं. ये बात आप अच्युत से सीखेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ अच्युत आपके पास शेयर करेंगे. क्लास 9th 10th कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं. जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अच्युत अग्रवाल है, मैं ML कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ, और मेरे 10th में 80% आए थे, और कंप्यूटर में मेरा 95 इसका आया था, और मैं 10th में के बाद 11th में कॉमर्स इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे CA करना है. और लर्निंग फॉरम की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, यहाँ पे डेली डाउट्स क्लियर होते हैं, DPP मिलती है, और टेस्ट पेपर भी होता है. टेस्ट पेपर का कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो, टेस्ट पॉइंट में जो चीज़ें होती हो, आपको अच्छा लगा हो जो?
सर जो हम लोग को क्लियर नहीं होता है वो टेस्ट पेपर से पता लग जाता है, हम लोग यहाँ पे वीक हैं और वहाँ पे हम लोग अपने और मेहनत कर सकते हैं उसके आगे। अच्युत को जो टेस्ट के बारे में बताया इन्होंने, रेगुलर टेस्ट होते हैं, लास्ट वीक ऑफ द मंथ इज टेस्ट। अब उसमें एक और चीज़ एड ऑन हो गई इस साल से कि लर्निंग फोरम अपना ऐप भी है। अब जैसे कि आप 11, 12th या बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 30% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो आपको ऐप के थ्रू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्युत, अगर लर्निंग फोरम के 5-star रेटिंग की बात करें उसमें से कितनी रेटिंग आप देना चाहेंगे? 5। सब लोग 5 दे रहे हैं, कुछ तो घोटाला लग रहा है भाई अपने को, देखो। हाँ चलिए, कुछ कमियां थी अभी तक जो सेशन में, उसको भी इम्प्रूव किया गया है, शायद उसको देख करके ये लोग अभी 5 दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ रिव्यूज प्रॉपर, आपके पास फीडबैक फॉर्म होता है मंथली एग्जाम के बाद, जो फीडबैक फॉर्म भर करके आप अपने जो भी मन में चीज़ें चल रही कि आप डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, आप लिख करके बिना अपना नाम बताए ही, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें, मान लीजिए आपके क्लास की एसी नहीं काम कर रही है, आप चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट को बता दें भैया एसी ठंडा नहीं कर रहा, कम काम कर रहा, तब फीडबैक फॉर्म में ये बात लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात है, कोई भी आपको समस्या हो, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, किसी का डाउट नहीं हो रहा है या DBP आपको नहीं मिली है, तो वो सारी बातें आप फीडबैक फॉर्म के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्युत, कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो किसी टीचर या अपने कोचिंग के बारे में? सर डेली यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। डाउट काउंटर, जैसे क्लास के बाद इन्होंने बताया कि क्लास के इमीडिएट बाद अपने उसी सब्जेक्ट टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं। कोई और बात अच्छी जो आप बताना चाह रहे हो बच्चों? सर जो टेस्ट होता है जो मंथली, लास्ट वीक ऑफ द मंथ, वो भी सबसे अच्छी चीज़ है। और कोई बात इसमें सर? टेस्ट में एक अच्छी बात यह है कि टेस्ट में आपको सिर्फ नंबर नहीं बताए जाते हैं, उसकी कॉपी मिल जाती है जिससे आपको ये बात पता चल जाता है कि हाँ गलती क्या किया। मान लेते हैं कि आपने 30 नंबर का टेस्ट दिया, आपके नंबर 20 आए, 10 कहाँ कट गए, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है बशर्ते ये जानने की कि भैया 20 नंबर आए। ठीक है अच्युत, थैंक यू सो मच। दिव्य जायसवाल, टैगोर पब्लिक स्कूल से, क्लास 10th में, टोटल परसेंटेज इनका 90% है, जो कि हमको लग रहा है अपने क्लासरूम के अभी तक जितने रिजल्ट पता चला है उसमें से टॉपर है ना भाई, अभी तक जितना रिजल्ट पता है तो टैगोर पब्लिक स्कूल के टॉपर हैं ये। फिर अभी स्टिल रिजल्ट काउंटिंग में है, आगे कौन जाता है फिर देखा जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्य जायसवाल है, मैं टैगोर पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ और इस समय मैंने अपनी 10th कम्प्लीट की, मेरे 10th में 90% आए हैं और सोशल के अंदर मैंने 99 लाया है आउट ऑफ 100। और लर्निंग फोरम की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत ही फ़नी वे में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा देते हैं जो कि समझने में बहुत ईजी हो जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे डाउट्स हम लोग घर में रहते हैं कि हम लोग क्लियर नहीं हो सकते, तो उस समय हम लोग पास सारी फैकल्टी अवेलेबल रहती है कि हम लोग फ़ोन कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। चलिए, डाउट क्लियरिंग एक हो गया फैक्टर, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, अच्युत ने बोला कि टेस्ट होते हैं, टेस्ट से कोई हेल्प मिली आपको जो टेस्ट होते हैं मंथली? सर टेस्ट होते हैं, हो सकता है कई बार हम लोग में टेस्ट होते हैं तो कई में हम लोग को नंबर्स कम आते हैं, लेकिन हो सकता है उस नंबर्स को हम लोग आगे चल के सेव कर लें। कई हम लोग महीने में एक साल में 12 बार टेस्ट दिए, तो हो सकता है उस 12 बार टेस्ट देने का फ़ायदा हम लोग को आज मिला है। बिल्कुल, ये बात है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जब कंसिस्टेंट होते हैं हम कि राइटिंग पैटर्न, कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार रेटिंग की बात कर लेते हैं, 5 में से कितने स्टार? 5 out of 5 मिल। ठीक है, ये सब बात गूगल पे दिखनी चाहिए, हम चेक करेंगे बेटा सबके नाम पे आज, ठीक है ना? ठीक, ज़्यादातर बच्चों ने वैसे 5-star दिया है तभी गूगल 4.9 दिखा रहा है। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया भैया आज दे दीजिएगा, और जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट जो बच्चे पास आउट हैं उनसे आप इंडिविजुअल भी फीडबैक ले सकते हैं क्या चीज़ें कैसे रही हैं, और प्रॉपर हम लोग भी बच्चों से फीडबैक लेते हैं और उसके थ्रू इम्प्रूव करते हैं कि हाँ क्या चीज़ कभी रह गई उसको कैसे ठीक किया जाए। दिव्य, क्लास 11th में क्या स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं आप? सर कॉमर्स। क्यों ऐसा कॉमर्स क्यों ऑप्ट करेंगे? सर मुझे आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना है, और वो नहीं तो आगे चल के CFA की तैयारी करनी है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, अभी तक जितने बच्चे आए ज़्यादातर लोगों ने ये बात पहले से क्लियर कर रखा है कि हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, और ये बात क्लास 10th में क्लियर हो जाना सबसे बड़ी बात है। दैट इज द एग्जैक्ट गाइडेंस ऑफ द गार्जियंस एंड टीचर्स कि हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट में, और हमको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ जा सकते हैं। अगर हमको आज से ये बात पता है कि हम 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं,
तो मेरे पास 5 साल का टाइम है, नहीं तो होता है क्या अचानक से, अभी कई बच्चे आते हैं इंक्वायरी करने, क्लास 11 की इंक्वायरी लेने आते हैं कि हाँ सर पढ़ना है, बट वो श्योर नहीं कि क्या पढ़ना है, भाई सब कोचिंग पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ने आ गए, उनको फिर काउंसिल किया जाता है, हेल्प किया जाता है कि आप क्या ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे हैं वो ऑलरेडी स्ट्रीम को लेकर रिजल्ट के पहले से क्लियर है कि सर ये रिजल्ट है, कई बच्चे तो क्लास में है ऑलरेडी कि हाँ सर हमको तो पीसीबी लेना है, सर हमको कॉमर्स लेना है, अब अपने कॉमर्स की क्लास कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाया, तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो बच्चा पहले से क्लियर रहता है इन चीज़ को लेकर के कि नहीं मेरा टारगेट ये है और हम इसको अचीव करने वाले हैं, जो कि साइंस सिखाता है कि अपना गोल आप सेट करिए, उसको कुछ भी करते हुए एक्सीडेंटली कोई चीज़ मिल जाना वो अपना रियल टारगेट नहीं है। थैंक यू दिव्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैं सर। चलिए दिव्य के बाद श्लोक रस्तोगी, फिर से टैगोर पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल वाले खूब नंबर मिले हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज 89%, अप्रॉक्सीमेट 90, साइंस में 92 हाईएस्ट है इनका। श्लोक अपने बारे में कुछ बताएंगे। मेरा नाम श्लोक रस्तोगी है, मैं टैगोर पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, क्लास 9th और 10th मैंने लर्निंग फोरम से की थी, जो कि कंसिस्टेंट वे में मेरी परफॉर्मेंस को और इनहेंस कर रहा था, क्योंकि जैसे मेरे पास नंबर्स 10th के शुरू में इतने नहीं थे, जैसे लास्ट में आते आते सर के और बाकी लोगों के गाइडेंस में जब परफॉर्म किया, तो जो आज इनहेंस हुआ है वो रिजल्ट फाइनल पूरे साल की मेहनत का है। चलिए पूरे साल की मेहनत को, ये तो एक बात होती है कि कोचिंग ने हेल्प की, सिर्फ इतनी सी बात होती है, बच्चों का अपना ग्रेटिट्यूड है कि बिल्कुल दो पहियों की गाड़ी है, जितना मेहनत बच्चे करते हैं उतना ही टीचर करते हैं, दो में से कोई भी गड़बड़ होगा, इसलिए जो रिजल्ट का पहला कोई अधिकारी होता है तो बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनकी मेहनत है, सेकेंडरी टीचर्स बैक सपोर्ट में होते हैं, बस ये है कि बैक में बैकबोन में इतनी हो कि भैया जब जरूरत पड़े तो हेल्प कर दे, अदरवाइज बच्चा वहाँ पे पीछे हो जाता है। स्लो क्लास 11th के लिए क्या सोचा है? PCM with CS क्यों? PCM तो समझ में आता है कि ढेर सारे ऑप्शन है, या PCM ही क्यों? सर क्योंकि आगे इंजीनियरिंग करनी है और CS लेने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन निकल जाते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग करना है और उसके बाद आपके CS लेने से ऑप्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग करने का क्यों सोचा सलो, कैसा क्या देखा? सर क्योंकि स्पेसिफिकली वो बहुत डेवलपमेंट में मदद करता है कोई भी कंट्री की, कोई भी स्पेसिफिक जगह की, तो इस वजह से कि डेवलपमेंट में कोई भी सपोर्ट कर सके इस वजह से। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम पे इंजीनियरिंग में एंट्रेंस जो हो रहा है सीट उतनी है और कंपटीशन हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये बात डिसाइड कर लेना पहला टारगेट है कि हाँ हम ये करने वाले हैं, उसके लिए जो एफर्ट्स हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं, जैसे ढेर सारे लोग सब कुछ छोड़ के लग जाते हैं भैया कि ये 3 सब्जेक्ट हैं इनको पढ़िए इनसे इंट्रेंस निकलेगा, आपका क्या मानना है इसमें? सर कंसिस्टेंसी से कोई भी चीज़ निकल सकती है, कोई भी चीज़ फोकस करने से, कभी भी कोई भी चीज़ को लेके कि इतना जगह है उतने पे एक हमेशा रहें तो वो नहीं हो सकता है, तो उस पर जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, जितना कंसिस्टेंसी से फोकस करके करेंगे तो आपको जगह मिलेगी, आपके एफर्ट्स उसमें शो होंगे। ठीक है, श्लोक जिस तरीके से क्लास 10th में है, जिस तरीके से इन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा है, जैसा गाइडेंस इनको मिला, जैसा हम लोग आगे दे सकते हैं, हम लोग हमेशा साथ में हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे हम लोग और बेहतर करेंगे। रिव्यू रेटिंग की बात करें, 5 out of रिव्यू तो क्या देना चाहेंगे लर्निंग? सर 5 स्टार गाइडेंस की वजह से। चलो ठीक है भाई, गाइडेंस की वजह से 5 स्टार रेटिंग मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो इन्होंने कंसेप्ट बताया कि हम जब 11th ऑप्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए। एक स्लोप, कोई आप एक सलाह देना चाहें इंस्टीट्यूशन को? सर कंसिस्टेंसी जैसे पहली थी वैसे ही मेंटेन रखें सर। आई विल ट्राई माय बेस्ट, थैंक यू स्लोप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। चले अभी फिर से टैगोर पब्लिक स्कूल से मोहम्मद अरसान खान, जिन्होंने ओवरऑल 83% एंड सोशल साइंस में इनका हाईएस्ट है 92। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरशान खान, मेरे ओवरऑल 10th में 83% आए और हाईएस्ट है मेरा एसएसटी में 92 मार्क्स, और लर्निंग फोरम के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मतलब यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, और मतलब अगर किसी को कोई डाउट भी होता है तो वो आफ्टर क्लासेस भी
क्लियर कर सकते हैं ऐसे मतलब। ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा है अभी इनको, चूंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशन थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था इसलिए अभी इनका प्रॉपर डर निकल नहीं पाया है। कोई बात नहीं, जो बच गया उसको इलेवेंथ में निकालेंगे। ठीक, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए लेकिन बोलने में ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है बेटा कि हम पब्लिकली अपनी बात को शेयर कर पाए। ठीक, चलो एक फाइनल कंक्लूसिव सवाल पूछ लेते हैं। रेटिंग आउट ऑफ 5 स्टार। 5 स्टार पक्का समझ लो भाई। फिर चलिए, अभी तक जितने सर रिव्यू रेटिंग ली गई है 5 out of 5 मिले हैं। अभी भी जो रिजल्ट्स हैं वो स्टिल कंटिन्यूज हैं, जो अभी कुछ स्टार थे जो अच्छे बच्चे थे जो अपने रिव्यू शेयर कर सकते थे। ठीक, जो लोग रिव्यू शेयर करने से भाग रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे बच्चों के जो रिव्यूज आ चुके हैं हम ये बात आप सबको बताना चाहेंगे। अभी और जो बच्चे आएंगे हम ट्राई करेंगे उनके भी रिव्यूज आप तक पहुंचाएं। ये कुछ रिव्यूज हैं जो बच्चे अभी हमारे पास रिजल्ट के तुरंत बाद आ पाए। बच्चे होते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन से ज्यादा लगाव रखते हैं वो रिजल्ट के साथ तुरंत आते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैव योर फ्यूचर वेरी ब्राइट। आई होप कि आप सबका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और आने वाले समय में आप इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहें और इंस्टीट्यूशन जो आपकी हेल्प कर सकता है और आप जो इंस्टीट्यूशन के साथ हेल्प ले सकते हैं वो बेस्ट लीजिए। क्योंकि दो पहिए अभी हमने बात करे कि एक तो टीचर दूसरा स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के, कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है आप अच्छा एफर्ट नहीं देंगे उसका डाउट नहीं क्लियर होगा टाइम पर उसको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक, स्नान थोड़ा सा हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे तैयारी रखेंगे और नेक्स्ट ईयर आपसे फिर से रिव्यू लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सो मच। आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियोज में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।